नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पे नई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो में मैं आपको उन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों के आने की संभावना एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा है और ये बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए ताकि आप एग्जाम में भूले ना और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकें। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विषाणु, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है हरे शैवाल, चौथा ऑप्शन है कवक। इसका सी ऑप्शन हरे शैवाल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है विषाणु, तीसरा ऑप्शन है शैवाल, चौथा ऑप्शन है कवक। इसका पहला ऑप्शन जीवाणु सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मूंगफली, दूसरा ऑप्शन है सरसों, तीसरा ऑप्शन है गन्ना, चौथा ऑप्शन है ज्वार। इसका दूसरा ऑप्शन सरसों सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गेहूं से संबंधित राष्ट्र रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक है। पहला ऑप्शन है केसी मेहता, दूसरा ऑप्शन है डीडी पंत, तीसरा ऑप्शन है बीरबल साहनी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन केसी मेहता सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है नारियल, दूसरा ऑप्शन है नारंगी, तीसरा ऑप्शन है सेब, चौथा ऑप्शन है अंगूर। इसका तीसरा ऑप्शन सेब सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सीट्रस कैंकर है। ए ऑप्शन है नींबू का एक रोग, दूसरा ऑप्शन है नींबू का प्रसिद्ध कीट, तीसरा ऑप्शन है नींबू की एक प्रजाति, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन ए नींबू का एक रोग सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन की कमी, बी ऑप्शन है पोटेशियम की कमी, सी ऑप्शन है बोरोन की कमी, डी ऑप्शन है तांबे की कमी। इसका पहला ऑप्शन ऑक्सीजन की कमी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पादपों में बना खाद पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है?
पहला ऑप्शन है क्लोएम, दूसरा ऑप्शन है कार्टेक्स, तीसरा ऑप्शन है जाइलम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन फ्लोएम सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है फ्लोएम, दूसरा ऑप्शन है जाइलम, तीसरा ऑप्शन है कार्टेक्स, चौथा ऑप्शन है पीथ। इसका बी ऑप्शन जाइलम सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ए ऑप्शन है वायु में कण, बी ऑप्शन है पेशाब में शक्कर, सी ऑप्शन है वातावरण में ध्वनि, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन वातावरण में ध्वनि सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? ए ऑप्शन है आनुवंशिकी, बी ऑप्शन है शारीरिकी, सी ऑप्शन है कोशिका विज्ञान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन आनुवंशिकी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मेंडल, दूसरा ऑप्शन है विजमान, तीसरा ऑप्शन है डार्विन, चौथा ऑप्शन है केसी मेहता। इसका पहला ऑप्शन मेंडल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? ए ऑप्शन है डीडी पंत, बी ऑप्शन है जोहानसन, सी ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है मेंडल, चौथा ऑप्शन है डार्विन। इसका दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन जोहानसन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीन्स बने होते हैं, पहला ऑप्शन है आरएनए के, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीनों के, तीसरा ऑप्शन है डीएनए के, चौथा ऑप्शन है डीएनए तथा आरएनए के। इसका तीसरा ऑप्शन डीएनए के सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? पहला ऑप्शन है खुराना ने, दूसरा ऑप्शन है मिलर ने, तीसरा ऑप्शन है डार्विन ने, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन खुराना ने सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा ऑप्शन है मूलर, तीसरा ऑप्शन है मेडल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन वाटसन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम द्वारा, तीसरा ऑप्शन है आरएनए द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? पहला ऑप्शन है ब्राउन ने, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, तीसरा ऑप्शन है
फ्लेमिंग ने, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इसका दूसरा ऑप्शन रॉबर्ट हुक ने सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है राइबोसोम में, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रोसोम में, तीसरा ऑप्शन है गाल्जी काई में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इसका पहला ऑप्शन राइबोसोम में सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है खनिज, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है चर्बी, इसका पहला ऑप्शन जल सही उत्तर है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।